हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ दिव्यांश दुबे। और आज की इस वीडियो में अपनी फेवरेट सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगी उसके बारे में बताना चाहूँगा, और वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। तो विक्टर फ्रैंकल एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट थे। 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ऑस्ट्रिया में थे, और ऑस्ट्रिया में ज्यूस लोग को मारा जा रहा था, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जा रहा था। अमेरिका इन्हें इन्वाइट करता है, पर ये अपनी एजिंग पेरेंट्स के वजह से, इनके पेरेंट्स जो बूढ़े हो चुके थे उनको छोड़ के अकेले जा नहीं सकते थे, इसलिए ये नहीं। विक्टर फ्रैंकल और उनके पूरे परिवार को उठाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है, जहां पर उनके पूरे परिवार की डेथ हो जाती है। दोस्तों तकरीबन 154 पेजेस की यह बुक टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में विक्टर फ्रैंकल अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जो कि तकरीबन 100 पेजेस तक है। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि किस तरीके से कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। खाने में सिर्फ सूप और एक ब्रेड दिया जाता था, और कई घंटों तक उनसे काम कराया जाता था। लोग काम नहीं कर पाते थे, फिर फिजिकली वीक थे, उनको उठाकर गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था, और गैस चैम्बर में हार्मफुल गैसेस की वजह से उन सबका डेथ हो जाता था। दोस्तों जिन लोग के पास कोई मीनिंग नहीं था, कोई पर्पज नहीं था, उनको कोई होप नहीं दिख रहा था, वो लोग आसानी से डिप्रेशन में चले जाते थे, और इतनी बुरी कंडीशन में या तो उनकी डेथ हो जाती थी या फिर वो सुसाइड कर लेते थे। दोस्तों कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन कैंप की इतनी बुरी थी कि वो लोग ड्रीम कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से फ्री होंगे और हम लोग को भरपेट खाना मिलेगा। दोस्तों इतनी बुरी कंडीशन, जहाँ पर सर्वाइवल करना मुश्किल था, जहाँ पर हर रोज डेथ होते थे, मेंटली टॉर्चर किया जाता था, वहाँ पर कुछ लोगों के अंदर विक्टर फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि होप फिर भी जीवित था। उनके अंदर होप था कि वो फिर से कैंप से बाहर फ्री होंगे और नए ढंग से जीना स्टार्ट करेंगे। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि कंडीशन चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन आदमी के पास एक स्पिरिचुअल फ्रीडम है चॉइस का, स्पिरिचुअल फ्रीडम है चूज करने का किसी भी बुरी से बुरी कंडीशन में कि उसका अगला स्टेप क्या होगा। और इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंस टू चूज वंस ओन वे। मतलब बताते हैं कि हमारे पास एक स्पिरिचुअल फ्रीडम है किसी भी बुरी सी बुरी कंडीशन में भी चूज करने का, चॉइस है हमारे पास कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दोस्तों विक्टर फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि लाइफ में मीनिंग कितना जरूरी है, जीने के लिए कोई मकसद होना लाइफ में कितना जरूरी है। दोस्तों विक्टर फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि लाइफ में मीनिंग होना कितना जरूरी है, और इसी को एक थेरेपी के माध्यम से बताते हैं विक्टर फ्रैंकल अपने सेकेंड पार्ट में, जिसका नाम है लोगोस थेरेपी। दोस्तों जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में विक्टर फ्रैंकल को इतनी यातनाएं दी जा रही थी, तो उन्होंने एक फिलोसोफर फ्रेडरिक नीच का एक कोट याद किया था, द वन हु हैव वाय टू लिव कैन बेयर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जिसके पास जीने के लिए कोई मीनिंग है, कोई वजह है, वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर लेगा, वो किसी भी कंडीशन को ओवरकम कर जाए। सेकेंड पार्ट में विक्टर फ्रैंकल ने लोगोस थेरेपी की बात की है। लोगोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मीनिंग। खुद के द्वारा डिस्कवर की गई इस टेक्निक में विक्टर फ्रैंकल ने तीन तरीके बताए हैं जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका है वर्क एंड हॉबीज। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि जिन लोग के पास डे टू डे बेसिस पे करने के लिए कोई एम, कोई पर्पज नहीं होता है, वो किस तरीके से एमलेसली भटकते रहते हैं, और किस तरीके से वो एडिक्टिव हो जाते हैं या फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिनके पास एम, पर्पज, मीनिंग नहीं है, उनके लिए विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि बाहर निकलो, नए नए एक्सपीरियंस लो, स्किल्स सीखो, और जब आपको लगने लगे कि आप वह काम कर रहे हो जिसके लिए आप पैदा हुए हो, तो समझना आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो गई। दूसरा इनका तरीका था एक्सपीरियंस लाइफ एंड पीपल। दूसरे तरीके में विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि किसी रिलेशनशिप में जब आप किसी दूसरे पर्सन को हेल्प करते हो उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में, उसकी मदद करते हो, तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक रियलाइजेशन मिलता है, और किसी दूसरे पर्सन को आप बहुत ही अच्छे से उस समय समझ सकते हो जब आप उसकी हेल्प करते हो, उसकी ग्रोथ में, उसके आगे बढ़ने के लिए आप उसकी मदद करते। तीसरा तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मीनिंग इन सफरिंग। तीसरे तरीके में विक्टर फ्रैंक अपना एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि किस तरीके से इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में होने के बावजूद भी वो इमेजिन कर रहे थे कि एक बार फ्री होंगे और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप की साइकोलॉजी पे लेक्चर दे रहे होंगे। इस तरीके से विक्टर फ्रैंकल ने सफरिंग में मीनिंग ढूंढने को कहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपनी सफरिंग को स्ट्रांगली ओवरकम किया, तो एक दिन ये पूरे वर्ल्ड को लाइट करेगा। इसी के रिलेटेड उनका एक कोट है, If there is a meaning in life at all, then there must be meaning in suffering. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विक्टर फ्रैंकल की जो ये बुक है, जिसमें उन्होंने इतना
संघर्ष किया है, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप का एक्सपीरियंस है, उसके बाद उनकी जो लोगो थेरेपी थी जिसके मदद से आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं, ये सब बहुत ही अच्छे से उन्होंने नैरेट किया है, डिस्क्राइब किया है। तो आप भी इस बुक को पढ़ें और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इतनी अच्छी बुक आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। और आप फीडबैक मुझे दें कि कमेंट बॉक्स में कि आपको ये बुक कैसे लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।